हेलो, मैं ऑल लवली स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज कंप्यूटर का जो लेक्चर है क्लास 5 का है, चैप्टर 2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जो कि आपके प्लेलिस्ट में है। आप लोग उसे देख लीजिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, इसके पहले हमने जो पढ़ा है उसे एक बार देख लेते हैं कि हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा क्या है। व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल, और उसके बाद टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला था सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हमने पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, आप लोग को याद है क्या बताया था मैंने? चलिए कोई बात नहीं, फिर से देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, ये आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर को, उसको मैनेज करता है। ये हमारे यानी यूज़र के और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम करता है, एक मीडिएटर का काम करता है। ठीक है, हम कोई भी इनपुट देते हैं तो कंप्यूटर उसे जिस लैंग्वेज में समझता है कंप्यूटर को, वो उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, कौन करता है ये काम, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, कुछ एग्जांपल भी है, जैसे विंडोज 7, यूनिक्स, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, ये सब क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, आइए जानते हैं फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर मेनी जॉब्स विच आर परफॉर्म्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे काम हैं, ठीक है, जो कि हमारे कंप्यूटर में ये परफॉर्म करता है। जैसे सबसे पहला हुआ किसका देखते हैं, इट हेल्प्स द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू स्टोर द डेटा इन कंप्यूटर एंड टू शो द प्रोसेस रिजल्ट। ये क्या करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो टू स्टोर द डेटा इन कंप्यूटर, ये मदद करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसों को डेटा को स्टोर करने में कंप्यूटर में, और जो रिजल्ट प्रोसेस होता है उसे शो करने में। ठीक है, हम कोई भी कुछ भी सर्च करते हैं अगर गूगल पे, तो आफ्टर प्रोसेसिंग हमें एक रिजल्ट मिलता है ना, मॉनिटर पे शो होता है ना, तो उस रिजल्ट को शो होने में या फिर उस रिजल्ट के प्रोसेस में कौन हेल्प करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इट असाइंस द डेटा इंस्ट्रक्शन टू द CPU सो एज टू प्रोसेस अकॉर्डिंगली। ये CPU को डेटा और इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग CPU क्या करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, इसके अनुसार, किसके अनुसार, ऑपरेटिंग सिस्टम के। इट मैनेजेस द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सो दैट मल्टीपल प्रोग्राम कैन रन टुगेदर। कंप्यूटर की मेमोरी को भी ये मैनेज करता है, जिसे एक साथ कई सारे प्रोग्राम रन कर पाते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, इट हेल्प्स टू सेव द फाइल्स परमानेंटली एंड टू ओपन देम व्हेन नीडेड। ये मदद करता है फाइल को परमानेंटली सेव करने में, और जब हमें ज़रूरत हो हम उसका यूज़ कर सकें। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस देयर आर मेनी मोर फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इन आवर कंप्यूटर। इसके अलावा भी हमारे कंप्यूटर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका कंप्यूटर में बहुत सारा काम है। ठीक है, पहले देख लेते हैं ब्रेन बॉक्स में, उसके आगे देखेंगे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को इससे इंट्रोड्यूस कराया है कि कंप्यूटर आपका एक ही लैंग्वेज समझता है, वो क्या है, 0 और 1, और उसे हम कहते हैं बाइनरी डिजिट। ठीक है, 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ, 1 का मतलब ऑन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प द कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड यूज़र इंस्ट्रक्शन। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये हेल्प करता है कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करने में जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझता, वो बाइनरी डिजिट को समझता है। ठीक है, आइए देखते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, द सेट ऑफ प्रोग्राम डेवलप बाय प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो डेवलप करते हैं एक प्रोग्राम का सेट। ठीक है, जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आपका हो गया कैलकुलेशन, जैसे कुछ सॉफ्टवेयर आपके होते हैं जिसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोग्रामर इसको जो डेवलप करते हैं, ये एक प्रोग्राम का सेट होता है, यानी पर्टिकुलर किसी एक टास्क को परफॉर्म करने का एक प्रोग्राम समझ लीजिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन, हम कैलकुलेटर मोबाइल में होता है ना कैलकुलेटर, उसमें हम सिर्फ कैलकुलेट करते हैं,
analyzing figures, arranging data in different forms, maintenance of parallel system, maintenance of reservation in different areas, etc. ठीक है, जैसे आपका टिकट बुक करने के लिए एक होता है, ऐसे हम मोबाइल में कई सारे ऐप यूज़ करते हैं ना, वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग, वो एक तरीके से क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि पर्टिकुलर एक प्रोग्राम का सेट होता है, उसके थ्रू वही काम होता है परफॉर्म। ठीक है, और आपका जो ये सॉफ्टवेयर है इसकी कितनी कैटेगरी है, दो, यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती है, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरी होती है, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड स्पेसिफिक पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना, एक प्रोग्राम का सेट होता है, ठीक है, जिसके थ्रू जिस लिए उसे डिज़ाइन किया गया रहता है वो वही टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, देखते हैं जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। जनरल पर्पज़ मतलब सामान्य यूज़, नॉर्मल यूज़ में जो होता है, देखते हैं जनरल पर्पज़ क्या है। जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड फॉर द जनरल पर्पज़ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये जनरल पर्पज़ के लिए, मतलब सामान्य यूज़ के लिए, इसका नॉर्मल यूज़ के लिए बनाया जाता है इसको, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, अब इसमें एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया, बाकी सारी चीज़ें। बच्चों आप लोग समझ पाए ना, मल्टीमीडिया तो आप लोग समझ रहे हैं ना, ये जनरल पर्पज़ हुआ ना, हर कोई यूज़ करता है इसका, मतलब लार्ज नंबर पे लोग यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, उसी तरीके से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट, ये सब भी क्या होता है, ये ऑफिस वर्क में इन सबका यूज़ होता है, जो कि जनरली हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, हर जगह ऑफिस वर्क में इन सबका यूज़ होता है। ग्राफिक्स हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये जो जो सॉफ्टवेयर है ये सब क्या है, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल। आइए इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, किसके बारे में, ये जो सॉफ्टवेयर है जनरल पर्पज़ सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल दिया है इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका क्या, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए आपका ये वर्ड प्रोसेसिंग है, यहाँ पे फाइल को क्रिएट किया जाता है, एडिट किया जाता है। एक सेकेंड, पिक्चर को जूम कर देती हूँ मैं। ये देखिए आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये जो बीच में है ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का लोगो दिख रहा है आपको, इसमें जब आप जाएंगे तो इसमें आप डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जब आपने डेटा क्रिएट कर लिया, एडिट कर लिया, फिर डेटा को सेव कर सकते हैं, फिर उस डेटा को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, आप कंप्यूटर में टाइपिंग करते हैं ना, कोई भी लेटर टाइप हो गया या कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, उसे हम पहले क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, यानी पहले टाइप करते हैं, फिर उसमें अगर कुछ एडिट करना होता है, यानी कुछ अगर उसमें मेंशन करना है, पिक्चर्स डालनी है या कुछ भी, तो उसको हम एडिट कहते हैं। एडिट हो गया, उसके बाद हम फाइल को सेव करते हैं। ठीक है, सेव नहीं करेंगे तो फिर डिलीट हो जाएगा। सेव करने के बाद फिर उसका हम प्रिंट आउट निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसे हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं। समझ आया आप लोग को, फिगर से आप लोग को समझ में आ गया, आप देखते हैं। एक सेकेंड, हाँ चलिए। अब वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इनेबल यू टू क्रिएट एन इम्प्रेसिव डॉक्यूमेंट क्विकली। जो आपका ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ये डॉक्यूमेंट को बहुत ही जल्दी इम्प्रेसिव तरीके से तैयार करता है। ठीक है, बहुत ही जल्दी आप इस पर कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट सच एज लेटर, स्टोरी, रिपोर्ट, एट्सेट्रा। इस पर आप कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें लेटर्स भी होंगे, स्टोरीज, रिपोर्ट्स, एट्सेट्रा। वन कैन ईजली मर्ज, एड, डिलीट, रीअरेंज और ब्यूटिफाई द टेक्स्ट इन रिक्वायर्ड मैनर। इसमें जो टेक्स्ट है आप उसको कई तरीके का, टेक्स्ट का फॉन्ट आता है ना, इसमें ढेर सारा फॉन्ट आपको मिलेगा, आप उसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड, एम परफेक्ट एंड राइटर आर द एग्जांपल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड हो गया, वर्ड परफेक्ट एंड राइटर, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का। एमएस वर्ड तो बहुत ही पॉपुलर है, आप सबको इसके बारे में पता होगा। एमएस वर्ड पे हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसे ब्यूटीफाई कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट अलग अलग तरीके से जिस स्टाइल में चाहे उस स्टाइल में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा क्या आज? आज हमने पढ़ा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रीवियस में ही पढ़ चुके थे हम। फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या है ये हमने जाना, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जाना हमने कि ये एक प्रोग्राम का सेट होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम का सेट होता है जो कि जिस लिए डिज़ाइन किया गया रहता है वही फंक्शन ये परफॉर्म करता है, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी क्या था, दो था, एक जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा स्पेसिफिक पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमने जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा, उसका एक एग्जांपल भी देखा, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। दैट्स इट, आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा। और प्लीज़ अगर आप लोग को लेक्चर पसंद आता है तो एक सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, करिए, ठीक है। आपका सब्सक्राइब करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे मुझे बहुत हर्ट होता है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, और इसके पहले का जो लेक्चर है उसे देखने के बाद आप इसको देखिएगा, ठीक है। और आप लोग को परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आपका सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। एक ही वीडियो में सारा एक साथ चैप्टर कवर नहीं हो सकता, इसलिए कई पार्ट में वीडियोज़ आएंगे, लेकिन आपका सिलेबस कम्प्लीट होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, हैव अ गुड डे।